तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू प्ले गेम द फ्रेश एंड न्यू वीडियो एसफल्ट एट एयरबोन। तो गाइस, एसफल्ट एट को आपने अभी तक पहचान ही लिया होगा, ये कौन सा गेम है और क्या चीज़ है एसफल्ट एट। एसफल्ट एट एक जो है कार गेम है और इसको प्ले स्टोर पर आपको डाउनलोडिंग इसकी मिल जाएगी। एसफल्ट एट लिखेंगे तो आपको वहाँ से डाउनलोडिंग इसकी मिल जाएगी और अभी काफ़ी ही अच्छी इसकी जो है अपडेट आई है। तो कल ही मैंने इसको अपडेट करा इस गेम को, और अगर आपने इसको डाउनलोड करा हुआ तो आप भी जल्दी जाके अपडेट करें। काफ़ी अच्छी इसकी अपडेट लुकिंग आई है और इसके अंदर मेरा काफ़ी ज़्यादा मेरे को बड़ा रिवार्ड मिला। हाल ही के अंदर मेरे को 1 लाख जो क्वींस फ्री मिले हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ। ऑनलाइन गेम जो मैं खेलता हूँ इसके अंदर मेरे को रिवार्ड मिला है। मेरे को फेस्टिवल मेरा कंप्लीट हो गया था, वो तो काफ़ी बड़ा 1 लाख क्वींस का मेरे को रिवार्ड मिला, जिससे मैं काफ़ी ही अच्छी कार को परचेस कर सकता हूँ। बट मैं अभी नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्वींस मेरे को जमा करने हैं और काफ़ी ज़्यादा मेरे को टोकन्स की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूजन क्वींस की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छी कार लेने के लिए मेरे को काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैं अभी कार को कोई परचेज़ नहीं करने वाला। अभी मैं अपनी पुरानी ही कार BMW M1 के साथ रेस लगवाने वाला हूँ, और BMW M1 वही है जो आपको स्क्रीन पर अभी इस वक्त नज़र आ रही होगी। तो इसी कार के साथ मैं रेस लगवाने वाला हूँ। और दूसरी खुशखबरी ये है कि मेरा आज से जो है सेकंड सीज़न स्टार्ट हो चुका है, यानी सीज़न 2 मेरा स्टार्ट हो चुका है। और अपनी रिसेंटली हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, जो हमारा जो सीज़न 1 था वो कंप्लीट हो चुका था, हमारा जो फाइनल हो चुका था। और आज की इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है ये तो आपको मालूम ही होगा कि सीज़न 2 स्टार्ट हो गया और फर्स्ट आप से हमारा लेवल स्टार्ट होने वाला। चलिए देखते हैं अपने सीज़न 2 के फर्स्ट लेवल को, और इसका जो अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का लुक किस तरीके का आया है। यहाँ से मैंने गेम को कर लिया प्ले, और प्ले करने के बाद देखिए यहाँ पर पूरी ही काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई हुई है। इससे आपने अगर इसको अपडेट को अगर आपने वर्सेस करना है, वर्सेस मतलब अगर आपने देखना है कि पहले वाली अपडेट कैसी थी, अब वाली अपडेट कैसी है, और अगर आपने एसफल्ट 8 की अपडेट नहीं चेक करी तो अभी मैं आपको मेरी रिसेंटली पिछली वीडियो के अंदर जाएँ और वहाँ से आगे अगर मैं प्ले करता हूँ तो उसके बाद से लुक देखें, और अभी जो है मैं अभी जो लुक दिखा रहा हूँ उसके बाद से आप लुक देखें। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। और अगर मैं सिंगल प्लेयर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को कैरियर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। तो कैरियर पर मैं क्लिक करके जाऊँगा, और कैरियर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरा सीज़न 1 तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, और ये सारा कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट कैसा हुआ, ये बोल रहा था 110 आपको क्वींस यानी कि स्टार्स की ज़रूरत है तो आपका जो सीज़न 2 ओपन हो जाएगा। तो मैंने 112 क्वींस अपने कंप्लीट कर लिए, और मैं आ गया अपने सेकेंड सीज़न की तरफ। और सेकेंड सीज़न पर आने के बाद आपको एक फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, तो आपने जल्दी डाउनलोडिंग पर लगा देने। डाउनलोड मैंने कर लिया, अभी मैं ऑफलाइन इसको खेल रहा हूँ, तो ऑफलाइन खेलने के लिए मैंने इसको डाउनलोड फाइल मैंने कर लिया। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फर्स्ट लेवल को, और यहाँ पे कुछ नया ही लुक आ रहा है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट करके। नेक्स्ट करने के बाद मेरी जो है फ्रेंच गोना के अंदर जो मेरी रेस होने वाली है क्लास G होगी, और लैप्स मेरा 1 होगा, रेसर इसके अंदर 6 होंगे। सेम टू सेम वही पोजीशन है जो हमारी केरियर सीज़न 1 के अंदर चल रही थी, तो अब थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग होगी। नेक्स्ट करके आते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद कार मेरे को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं BMW M1 को ही सिलेक्ट करूँगा। तो ये BMW M1 आ गई, इसका कलर थोड़ा चेंज करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एक ही कलर को ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने रेड कलर इस पर कर लिया। अब रेड कलर करने के बाद थोड़ा ब्रेक आ जाता हूँ, स्टार्ट रेस करता हूँ। स्टार्ट रेस करने के बाद देखते हैं क्या सीन है। तो स्टार्ट रेस कर दिया, और मैंने टैंक ले लिया, ट्यूनिंग किट ले लिया, ट्यूनिंग बल्कि एक्स्ट्रा टैंक ले लेते हैं। मैंने जो है एक्स्ट्रा टैंक लेके स्टार्ट करा अपनी रेस को, और देखते हैं कि करियर सीज़न 1 के अंदर जो हमने रेस करी थी उससे बेहतरीन हम सीज़न 2 के अंदर यानी ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो देखेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल GT1 को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे, और मजीद ऐसी अपडेट आती रहेगी तो मैं आपको जो है बताता रहूँगा कि अपने गेम को अपडेट कर लेना। और मेरा प्लेयर्स यहाँ पर आ चुका है, और काफ़ी भसड़ हो रहा है मेरा प्लेयर, मेरा वाला नहीं है, फर्स्ट नंबर पर किसी और का प्लेयर था, तो मेरा जो है थोड़ा ब्रेक था वो। ठीक है ना, अब स्टार्ट करता हूँ रेस को।
तो आपने इसके सेकंड अपडेट के अंदर देखा है कितनी ज़्यादा खतरनाक रेस थी और कितने ज़्यादा हेवी हेवी इसके अंदर कार्स मौजूद थी, जिसकी वजह से यार काफ़ी ज़्यादा इसका क्रिएटिव सीन था। मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ग्रीन हो गया था पूरा गेम, मेरा ग्रीन हो चुका था, इतनी तेज़ फुल स्पीड हो गई थी कार्स की और काफ़ी ज़्यादा ठुकने की वजह से क्या हुआ कि मेरी स्पीड कम हुई, स्पीड टूटी और जो पिछले जो बड़ी स्पीड के अंदर आया था वो जीत गया। तो मैं अब क्या करूँगा, अपनी रेस को एक बार फिर ट्राई करके चेक करूँगा। यार एक आध दफ़ा थोड़ी सी परेशानी हुई जैसे करियर सीजन वन के अंदर, मेरे को स्टार्ट के अंदर थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने उसको स्टार्ट करा था और अब जो हमारा लेवल ही कुछ और है, सेकंड सीजन हो गया हमारा, तो इसके अंदर एक बार फिर मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट करके, जो ट्राई करके इसको चेक करता हूँ, ये सारों को स्किप करूँगा और नेक्स्ट करके आ जाऊँगा और मैं देखता हूँ अभी मेरे को कितने स्टार्स मिले और मैं एक बार फिर ट्राई करूँगा। तो ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह मैं जो है अपने 5 स्टार्स को कंप्लीट करूँगा क्योंकि मेरे को अपना 3rd सीजन भी ओपन करना है, तो इस वजह से मेरे को सारे स्टार्स को लेना पड़ेगा, तो उसकी वजह यही है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वापसी से 1st लेवल को और देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी जो नोट नो कर लेता हूँ, नोट नो किया मैं वो फर्स्ट ही, ये भी एक ही स्टार मिला था, वापसी नेक्स्ट करके जाता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद वापसी नेक्स्ट करूँगा और यही कार को मैं लेना चाहूँगा। तो इस कार को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ले लूँगा नाइट्रो स्टार्टर के अंदर ले लूँगा और स्टार्ट रेस कर लिया और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। फर्स्ट टाइम में आपको ये परेशानी होगी यार कि यार ये रेस कैसा हार गया, क्या सीन हुआ, क्या नहीं हुआ, तो आपने देख लिया कितना ज़्यादा मुश्किल काम था ये। तो अब जो है मैंने स्टार्ट करा और अब देखते हैं क्या होने वाला है, आपके काफ़ी गौर से मेरे को खेलना पड़ेगा, तो खेलते हैं और देखते हैं। मेरा प्लेयर्स आ गया रहमान राई 2004 नाम का जो है मेरा ही प्लेयर्स है ये, तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपनी रेस के अंदर फर्स्ट कौन आता BMW के साथ। भाई ये जीतने नहीं देंगे मेरे को, तो ये आपने जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। मैंने इसको सेकंड दफ़ा भी इसको ट्राई करा बट ये थोड़ा पिछले से ज़्यादा थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया, 3rd में नहीं है मेरी पोजीशन आ चुकी है। और मैं क्या करूँगा, बस ये अभी मेरी जो वीडियो तो मैं इतना ही रखूँगा और इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो का नहीं करना चाहूँगा, तो इतनी लेंथ है काफ़ी। और आपने क्या करना है, इसको ट्राई करना है और आपने जो है 5 स्टार इसे कंप्लीट करना है ताकि आपका 3rd जो है इसका वो सीज़न स्टार्ट हो। और मैं इसको अभी मैं भी ट्राई करूँगा इसको जो है 5 स्टार कंप्लीट करने के बाद, मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतने, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक और मेरे चैनल GT Fun को कर देना सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उससे पहले ही मैं इसको 5 स्टार कंप्लीट करके रखूँगा। तो गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।